हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है आज के मेरे नए ब्लॉग में. और आज मैं सुबह से ही अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ. इस समय बजे हैं सुबह के 6 और मैं उठ गई हूँ. और उठ के कूड़े वाला आया था, उसे कूड़ा दिया है. और अब मुसीबत ये हो गई है कि सूखा और गीला कूड़ा अलग अलग देना पड़ता है. तो आज सूखे कूड़े का नंबर था, तो आज उन्हें मैंने सूखा कूड़ा दिया है. और बस फिर मैं आ गई हूँ किचन में. अब थोड़ा गर्म पानी करूंगी, गर्म पानी पीऊंगी. और ब्रूटस भी बैठा है यहाँ पे, ये मेरे साथ 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 ही आ जाता है. ये बैठा है यहाँ पे, अभी इसको सुसु पाटी के लिए निकालूंगी. वही फिर अपने घर के काम शुरू करूंगी. फिर फ्री होके फिर मैं आपसे बाद में बात करूंगी. तब तक के लिए टाटा. देखिए, मैं आ गई हूँ बाहर. थोड़ी सी धूप है और मैं ये जो पुराने कपड़े होते हैं, मैं इनको फाड़ के इसमें भर रही हूँ, इसमें भर रही हूँ और लेयरिंग में भर रही हूँ. और देखते हैं ये क्या बनता है. बैठने के लिए कुछ एक अच्छी जगह बन जाएगी शायद, या कुछ और बन जाएगा. देखिए इधर को आते हैं इस तरह से. ये मैंने अभी कतरन करी है कुछ कपड़ों की. अभी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे. ये जो हो गई है इन्हें पहले भर देती हूँ. इससे दो काम हो जाएंगे. जो आपके कपड़े होते हैं ना, उन्हें भी हम रीयूज हो जाता है. और ये बच्चों की, आपको पीछे से आवाज आ रही है, आजकल छुट्टियां हो गई हैं बच्चों की, तो वो बात कर रहे हैं. उनके साथ में लगी हुई, बच्चे अपने लगे हैं, मैं अपने काम कर रही हूँ. ये देखिए, इस तरह से जो भी आप कपड़ा नहीं पहनते हैं या जो फट गया है नहीं पहनते, तो किसी को दे दीजिए पहनने वाला. और अगर वो पहनने वाला नहीं है तो इस तरह से उसे खोल खोल के निकाल दीजिए सिलाई से. कई बार सिलाई खुलती भी नहीं है, हाथ में दर्द हो जाती है. सिलाइयाँ खोलते खोलते इस तरह से उसे खोल खोल के मैंने आज काम किया है कि चलो ये सारी सिलाइयाँ खोल दूँ मैं. बहुत दिनों से रगी हुई थी कि इतने कपड़े संभालने बहुत मुश्किल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं. तो सोच रही थी कि क्या करूं. कल बैठे बैठे कोई वीडियो देख रही थी यूट्यूब पे, वो जाने फेसबुक पे कि यूट्यूब पे आप इस तरह से जो आप कपड़े यूज़ नहीं करते हैं उनको निकाल लीजिए. और जो बेजुबान जानवर हैं उनके लिए आप इनको कतरन बना बना के आप एक किसी चीज़ में भर दीजिए. तो उस चीज़ में भरने से क्या होगा, दो काम हो जाएंगे. एक तो वो जानवर के काम आ जाएगी, कतरन में भरा हुआ वो जो है गर्म हो जाएगा बैठने को. और दूसरा आपका जो कपड़ों का है वो वेस्ट भी नहीं होंगे. आप ये कह लीजिए कि इन कपड़ों का दोबारा से इस्तेमाल हो जाएगा अच्छे से. तो मैं वही कर रही हूँ. ये देखिए, कैंची से इस प्रकार थोड़े थोड़े कट लगा लेती हूँ हर एक पीस में. फिर इसको मैं काट देती हूँ, फाड़ देती हूँ, खींच के खुल जाते हैं ये फिर आराम से. तो उसी तरह से मैं अब करने की कोशिश कर रही हूँ. तो जहाँ पर थोड़ा अड़ जाता है ना, वहाँ पे करना बहुत मुश्किल हो जाता है. ये देखिए, इस तरह से थोड़े थोड़े कट मार के ना खींचना आसान हो जाएगा. और ये काम मैं पहले अंदर कर रही थी सुबह सुबह मेड के आने से पहले, और अब मैं बाहर आ गई हूँ. और अब मैं बाहर बैठ के थोड़ा धूप में, मैंने कहा थोड़ा धूप में बैठ के हो जाएगा ये काम तो ठीक रहेगा. और सबको ये सोचना चाहिए, करना चाहिए थोड़ा थोड़ा. अपने घर से एक आध रोटी उन जानवरों को दे देनी चाहिए. आपके घर का जो वेस्ट है वो उसके घर की रोटी, मुँह की रोटी बन जाएगा. तो थोड़ा सा इस तरफ भी, इस बारे में भी हमें सोचना ही चाहिए. मैं देख रही थी कल कुत्ता रो रहा था, तो उसे लोग डंडे से मार रहे थे. मुझे बहुत उस पर तरस आ रहा था डॉगी पे. फिर मैंने उसको देखा कि पता नहीं क्यों रो रहा है. फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा जाओ यहाँ से, क्यों मार रहे हो इनको? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था. फिर मैंने उसको देखा, मैंने उसको बोला पानी पीना है कि रोटी खानी है. पेडिग्री के कुछ टुकड़े दिए तो उसने नहीं खाए, यानी कि उसको भूख नहीं थी.
तो मेरे को लगा पानी की प्यास होगी, मैंने उसके लिए पानी रखा। जैसे ही मैंने पानी रखा वो फट से दौड़ के आया मेरे पास और वो सारा पानी उसमें से पी गया, यानी कि उसे प्यास लग रही थी। तो ये तो हमें सोचना चाहिए ना, हमें ये नहीं करना चाहिए। कुत्ता रोता है तो वो एक ही हम बोलते हैं अपशगुन अपशगुन, अरे ये अपशगुन अपशगुन कुछ नहीं होता, ये सारे हमारे मन के वहम है। और मैं सिर्फ जनरली कुत्ते की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी जानवर हो उसे क्यों मारे, अगर आप उन्हें अच्छा कुछ दे नहीं सकते तो उनको मारने का भी आपको कोई हक नहीं है। तो इसीलिए इनको नहीं मारना चाहिए, मैं भी नहीं मारती हूँ। इस तरह से मैं इनके रहने बैठने का, थोड़ा सा बैठने के लिए मेरे को लगता है कि आसपास मेरे दो चार छोटे छोटे बच्चे हैं कुत्तों के, तो वो इस पे माँ उनको लेके बैठ जाएगी तो थोड़ा गर्म रहेगा। तो आज रात में मैं रख के आऊँगी उनके लिए, ये सब चीज़ें देखती हूँ कि प्लान कहाँ तक सक्सेसफुल होता है। पर इस तरह से देखिए मैंने कट लगा लिए थे चीज की सहायता से, अब मैं इस तरह से खींच खींच के उनको फाड़ दूंगी तो ये सारे फट जाएंगे। और बच्चे तो कितना लोग तो बहुत बहुत करते हैं, हम इतना नहीं कर सकते कि जो हमारे पास जो कपड़े जो हम नहीं पहनते जो हमारे काम के नहीं है, एटलीस्ट हम उन्हीं कपड़ों का इस्तेमाल उनके लालन पालन में कर दें। लालन पालन से मेरा अभिप्राय कि उनके बिस्तर बुस्तर में कर दें, ठीक है ना। अगर आप मेरी सोच से सहमत हैं तो आप भी करिए, देखिए आपको एक अलग आनंद आएगा। तो चलिए मैं अभी अपना काम करती हूँ, फिर काम ख़त्म हो गया, मैं भी आ गई अब धूप सेकने ऊपर बैठी हुई हूँ और गर्मी थोड़ी सी लगने लगी थी तो मैंने अपना स्वेटर खोल दिया था। और क्योंकि इसमें भी ये भी जो मैंने पहना है ये भी वुलन है तो वो डबल हो गया था, तो इसलिए मैंने वो स्वेटर भी खोल दिया और मैं कंघी करने लगी थी। उस दिन मैंने मेहंदी लगाई थी, अब मैं एक दिन और लगाऊंगी। देखिए मेहंदी लगाने का दिल तो सभी का करता है कि बाल सफ़ेद हैं तो वो ना दिखे, लेकिन हमारे यहाँ की ये प्रॉब्लम है कि बहुत ठंड हो जाता है, बहुत ठंड लगती है। मैं तो क्या करती हूँ कि मेहंदी लगा लेती हूँ, पहले मेहंदी भी गर्म पानी में घोलती हूँ फिर उसे लगाती हूँ, फिर वो जो मेहंदी के बाद फिर मैं एक चुन्नी लगा लेती हूँ ताकि वो फिर चुन्नी के बाद एक कैप लगाती हूँ सिर पे पहन लेती हूँ। ताकि चुन्नी इसलिए डालती हूँ क्योंकि ताकि वो जो है मेहंदी वो कैप में ना लगे। तो इस तरह से थोड़ी देर मैं गर्म रखती हूँ। अब मैंने लगाई है, अब मैं एक हफ्ते बाद लगाऊंगी तो शायद सैटरडे को लगाऊंगी मेहंदी, तो या संडे को इसी तरह से लगाऊंगी। देखिए शाम का समय हो गया है, सूर्य छुप गया है, अस्तांचल पे चला गया है। देखिए लाइटें जलना शुरू हो गई हैं टिमटिमाती हुई। और ये देखिए जो मैंने आज बनाना शुरू किया था वो इस तरह से मेरा कपड़ों की कतरन से एक छोटा सा बिस्तर तैयार हो गया है। अभी मैं शाम को जाएंगे और ये जहाँ पे दो चार कुत्ते हैं बैठते हैं या मुझे पता है वहाँ पे ये मेरा बेटा रखाएगा। हो सकता है कि मैं भी जाऊँ लेकिन पॉसिबिलिटी ज़्यादा बेटे की है, वो ही रखाएगा। और इस तरह से मुझे लगता है कि इस पे एक या दो कुत्ते तो बैठ ही जाएंगे। और इसी के साथ आज मैं अपना व्लॉग ख़त्म कर रही हूँ। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग में, एक नई सुबह में, एक नई आशा में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि।